अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू पालक कितनी मज़ेदार और चटपटी सी मसालेदार सब्जी की रेसिपी, जिसको बनाने में आपको आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि पालक होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। उसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, लेकिन एक ही टेस्ट के साथ हम पालक को ज़्यादा नहीं खा सकते, इसलिए इसको कुछ अलग सा टेस्ट और फ्लेवर देने के साथ साथ हम इसको बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो यहाँ पर हमने ले ली है पालक और आलू, आलूओं को हमने कट कर लिया है और पालक को भी हमने अच्छे से धो के 2 से 3 पानी में इसको धो लीजिएगा, क्योंकि बहुत इसमें किचकिचाहट होती है। फिर उसके बाद इसको कट कर लीजिएगा और इसको आप चाहें तो स्टैंडर्ड में रख सकते हैं, अगर आप बाद में धो रहे हैं, अगर पहले धो रहे हैं तो ज़रूरत नहीं रहती है। आलू हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के लिए थे, जिसको इतने बड़े टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट नहीं करेंगे, वरना वो घुल जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब हमने ले लिए यहाँ पर एक कढ़ाई, जिसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे सरसों का तेल, मैं डाल रही हूँ यहाँ पर। अगर आप कोई और सा तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप वो डाल दीजिए। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, क्योंकि सरसों में एक थोड़ी सी महक होती है, कड़वाहट सी होती है, जिसको कि गर्म करने से वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा जब चटकने लगेगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग फ्लेवर को भी बढ़ाती है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर हींग डालने के बाद हम थोड़ा सा ज़ीरा और हींग को पकने देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक बड़े साइज का प्याज, जिसको हम बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। ज़्यादा मोटा कट नहीं करेंगे, बारीक बारीक इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे और प्याज को हम फिर इसमें डाल देंगे। प्याज को डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे, क्योंकि प्याज में होता है बहुत सारा पानी, जो कि अगर हम लो फ्लेम करेंगे तो ये गलने लगती है, पानी छोड़ने लगती है, इसलिए इसको हम हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे और थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो 2-3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे और प्याज को हल्का सा ब्राउन कलर आने तक पकाते रहेंगे। जब प्याज में ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़े से अदरक और लहसुन को। लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा हम लेंगे, और जिसको आप चाहें तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिए, या फिर ग्रेटर से आप इसको ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से थोड़े से लंबाई में टुकड़े काट करके इसमें डाल दीजिए, जिस तरह से आप खाना चाहें। अगर आपको मुँह में लगता है कि अदरक का स्वाद आए, चबाने में आए, तो आप इस तरह से डाल लीजिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा लहसुन। लहसुन को आप चाहें तो इस तरह से कट करके डाल दीजिए, या फिर आप इसको थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिए। इसका फ्लेवर और लहसुन का अदरक का बहुत बढ़िया आता है हमारी सब्जी में। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 5 से 6 मैंने हरी मिर्ची यहाँ पर ली है। थोड़ी सी हमारी जो हरी मिर्ची है ना, वो तीखी वाली है। अगर आपकी फीकी वाली है तो आप और ज़्यादा ले लीजिए। और लाल मिर्च भी आप यहाँ पर सूखी हुई जो खड़ी लाल मिर्च होती है ना, उसको भी आप तोड़ के डाल दीजिए या फिर साबुत डाल दीजिए। इसका भी फ्लेवर जो पालक की सब्जी में है ना, बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलूओं को। आलू डालने के बाद हम आलूओं को तेल में और इस प्याज अदरक लहसुन जो हरी मिर्ची हमने सब कुछ डाला है ना, इसमें हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। फ्राई आलू का टेस्ट जो होता है ना, वो अलग ही होता है। तो जब हम इसके साथ में इसको फ्राई करते हैं तो इसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है। अगर आप पालक नहीं भी यूज़ करते, अगर आप ऐसे ही आलू खाएंगे ना, तो वो भी बहुत बढ़िया आपको लगेंगे। तो यहाँ पर पालक के सॉरी आलू को हम प्याज के और लहसुन अदरक के साथ में 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें नमक डाल देंगे और लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, जिससे कि कलर बहुत बढ़िया भी आता है और इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता। हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाली है तीखेपन के लिए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप जो रेगुलर वाली लाल मिर्च होती है ना, वो थोड़ी सी डाल दीजिए। और यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डालिए, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा नमक मत डालिए, क्योंकि वो खुद ही थोड़ी सी नमकीन सी होती है, तो इसलिए पालक में ध्यान से नमक डाला करिए। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पर। उसके बाद जब 2-3 मिनट हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आलू जो है ना, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक बड़े साइज का टमाटर ले करके, जिसको थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, कब तक के लिए, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है टमाटरों को कवर कर दिया है सब्जी को,
और 2-3 मिनट के बाद जब हमने देखा तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे, गल चुके हैं यहाँ पर टमाटर। तो अब हम सब्जी को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, चलाएंगे, मिक्स करते रहना चाहिए सब्जी, क्योंकि अगर आप एक ही साइड में उसको रखते हैं ना तो वो जलने लगते हैं। इसलिए सब्जी जब भी बनाएं तो उसको ऊपर नीचे करते रहिए जब तक कि वो अच्छे से कुक नहीं हो जाए। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और आलू हैं अभी वो बिल्कुल भी नहीं गले हैं, थोड़े से 50% ही यहाँ पर गले हैं। अब हम डाल देंगे इसके ऊपर पालक को। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर पालक, जब हम यहाँ पर डालेंगे तो उसको डालने के बाद हम उसको बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि पालक में होता है बहुत सारा खुद का पानी, तो वो पानी छोड़ती है और आलू सॉफ्ट होते हैं उसी के साथ में। अगर हम उसको चला देते हैं ना तो आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसका पानी आलूओं के बीच में भर जाता है। यहाँ पर हम पालक को कवर करके रख देंगे बस ऐसे ही। अब हम 2-3 मिनट बाद देखेंगे तो देखिए पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर नीचे चलाएंगे। आलू जो है वो भी हमारे गल चुके हैं और सबसे बढ़िया बात जो यहाँ पर होती है ना, पालक का कलर चेंज नहीं होता है। अगर हम नॉर्मली आलू के साथ में पालक डाल करके मिक्स कर देते हैं तो आप देखिएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब हम इस तरह से पालक को डालते हैं तो इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत 19-20 होगा लेकिन ज़्यादा उतना चेंज नहीं होगा और पालक भी हमारी कुक हो जाएगी, ओवर कुक वो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आलू पालक की सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी से हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी होती है। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा और कलर और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हल्दी पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको उसका फ्लेवर या टेस्ट पसंद है तो। तो हम इन दोनों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ी हमारी जो है ना पूरी तरह से बन करके तैयार हो गई। थोड़ा सा हम इसको लो फ्लेम पर और भूनेंगे ताकि जिसका एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाए और सब्ज़ी है ऑयल रिलीज़ कर दे। तो यहाँ पर 2-3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। जब तक कि हम करते हैं भुनाई, आलू देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं ना, तो ये इतने सॉफ्ट हैं कि ये बिल्कुल चलाने में गल जाएंगे यानी कि घुल मिल जाएंगे, और ना ही इतने सख्त हैं कि आपके हाथों से टूटे नहीं। बिल्कुल जिस तरह का हमें आलू गला हुआ चाहिए होता है ना आलू पालक, वो सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर सब्जी बन करके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग मेरी ये रेसिपी देख सकें। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और फ्लेवर बढ़ाती हूँ तो डाल देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। साथ में डाल देंगे हम हरी धनिया, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है और सब्जी का फ्लेवर भी दोगुना बढ़ जाता है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखें हमारी जो सब्जी है बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत यम्मी सी और बहुत ही टेस्टफुल सी ये सब्जी बनी है। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठों के साथ, किसी के भी साथ आप खाइए, बहुत ही यम्मी सी सब्जी बन करके रेडी हुई है। बहुत जल्दी से झटपट से बिल्कुल अलग टेस्ट के साथ, अलग फ्लेवर के साथ हमारी आलू पालक की पौष्टिक सब्जी जो है ना वो बन करके रेडी हो जाती है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप इसको आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।